हेलो फ्रेंड्स, नवदिशा नेटवर्क में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि हम ब्रश टूल का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, और आज हम सीखने वाले हैं कि हमने टूल्स में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं और जो बाकी हैं उनका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। हम इरेजर कर चुके हैं, पेंसिल टूल कर चुके हैं और फिल विद कलर टूल कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल का उपयोग करके आप अपनी ड्राइंग शीट पर कोई भी टेक्स्ट या नेम लिख सकते हैं। इसके लिए जरा हम कलर पहले चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कलर, और साथ ही टेक्स्ट पर भी क्लिक कर लेते हैं और इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं। जिस भी जगह आपको नाम लिखना है आपको वहां पर एक बार क्लिक करना होगा अपनी शीट पर। तो सबसे पहले हम नई फाइल ले लेते हैं और इसके साथ हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। एक बार क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके ड्राइंग शीट पर एक बड़ा सा बॉक्स ड्रॉ हो गया है, और ये बॉक्स अकॉर्डिंग टू फॉन्ट साइज यानी फॉन्ट के साइज के अनुसार ड्रॉ होता है। आपको यहाँ पर जो भी नाम लिखना है आप आराम से टाइप करें, जैसे मैंने ये टेक्स्ट टाइप किया है। ध्यान रहे कि आपका जो कर्सर है वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही ब्लिंक करता रहे। यदि आप कुछ इस तरीके से बाहर क्लिक कर देंगे तो आपका टेक्स्ट डीसेलेक्ट हो जाएगा और इसके बाद आप किसी भी प्रकार का कोई भी इफ़ेक्ट अपने टेक्स्ट पर नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए जब भी आप चाहें तो टेक्स्ट, अगर लिखे हुए टेक्स्ट पर कोई इफ़ेक्ट भी लगाना चाहें तो आप उसके अंदर ही कर्सर को ब्लिंक कराते रहें। जैसे कि मैं फिर से यहाँ पर एक वर्ड टाइप करती हूँ, ठीक है। अब मुझे इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, उसके लिए हमें टेक्स्ट टूल बार फंक्शन में जाना होगा। जब भी हम कोई भी टेक्स्ट लेते हैं तो हमारे चैप्टर्स में आप देखेंगे कि मेन्यू बार में व्यू चैप्टर के बाद एक और चैप्टर ओपन हो गया और वो है टेक्स्ट। और हम टेक्स्ट क्या है, एक टूल है। तो टूल के बारे में कोई भी नया फंक्शन या चैप्टर ओपन होता है तो हम उसे टूल बार के नाम से उसे जानते हैं या कहते हैं। तो टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट टूल बार ओपन हुआ है। अब हम इस टूल बार की सहायता से अपने लिखे हुए टेक्स्ट पर यह सारे इफेक्ट लगा सकते हैं। तो आइए बारी बारी से सीखते हैं। सबसे पहला फंक्शन है फॉन्ट। फॉन्ट फंक्शन के थ्रू आप अपने पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उसके फॉन्ट फेस यानी फॉन्ट की लुकिंग चेंज कर सकते हैं, और यह अलग अलग भाषाओं व पैटर्न पर डिपेंडेंट होता है कि इसका पैटर्न कैसा होगा। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ प्रीव्यू चेंज होता नज़र आ रहा होगा आपको कुछ इस टाइप से। थोड़ा सा हम इसको साइड कर लेते हैं। इस तरीके से आप इसे साइड में छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब आप शायद आसानी से देख पाएंगे, यहाँ आपको प्रीव्यू नज़र आएगा। ये देखिए, जहाँ भी मैं जिस भी फॉन्ट फेस पे अपना माउस ब्रेक कर रही हूँ वही फॉन्ट फेस यहाँ पर आ जा रहा है, और जैसे ही मैं उस फॉन्ट फेस पर क्लिक कर दूँगी वही फॉन्ट फेस यहाँ पर सेट हो जाएगा। जैसे कि मैंने ये वाला फॉन्ट फेस सेलेक्ट किया, देखिए मेरे टेक्स्ट पर वही फॉन्ट फेस आकर ऐड हो गया। नेक्स्ट, फॉन्ट साइज, यानी कि अगर हमें फॉन्ट के साइज में कुछ चेंजिंग करनी है तो हम यहाँ से फॉन्ट साइज में चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि शुरुआत फॉन्ट साइज की 8 से है और एंड 72। दैट मीन्स कि 8 पॉइंट से लेकर 72 पॉइंट्स तक हम अपने टेक्स्ट के साइज़ को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने टेक्स्ट का साइज़ रख सकते हैं। नेक्स्ट है फॉन्ट स्टाइल, जिसमें हमें चार तरीके की स्टाइल दी गई हैं। पहला है बोल्ड, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को मोटा दिखाई देने के लिए, मोटा करने के लिए। आप देख सकते हैं इफेक्ट, ये देखिए, इटैलिक तिरछा करने के लिए, ये देखिए, अंडरलाइन टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन देने के लिए, ये देखिए,
अंडरलाइन आ गई है। स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट के बीच में लाइन देने के लिए कुछ इस तरीके से। इन सबको अगर आपको हटाना है तो दोबारा आपको उन्हीं टेक्स्ट पर टूल पर क्लिक करना होगा। बारी बारी से ये इफेक्ट हटते जाएंगे। नेक्स्ट है, आप एक चीज़ देख सकते हैं कि आप आउटलाइन पर लाएंगे अपने माउस को तो कुछ इस प्लस तरीके का निशान आएगा। इस प्लस पर अपने माउस को ब्रेक करते हुए आप इस टेक्स्ट टूल बार को टेक्स्ट बॉक्स को कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में हमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑपिक एंड ट्रांसपेरेंट। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो ट्रांसपेरेंट है, यानी कि बैकग्राउंड के एरिया को भी दिखा पा रहा है। जैसे ही हम इसे ओपिक कर देंगे तो ओपिक करने पर क्या होगा कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आपको इस तरीके का इफ़ेक्ट लगाना है तो आप लगा सकते हैं। यह ज़्यादातर वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर कि हम बैकग्राउंड में कोई कलरफुल बैकग्राउंड तैयार करते हैं और जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो ये वाइट बैकग्राउंड हमें टेक्स्ट के साथ मिल जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट इफ़ेक्ट का यूज़ करते हैं, जैसे कि ये देखिए। ठीक है, और अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको चाहिए आप उस कलर पर क्लिक कर दीजिए। तो ये था टेक्स्ट टूल बार जिसका उपयोग हम टेक्स्ट पर कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने सीखा कि होम चैप्टर में टूल्स फंक्शन में टेक्स्ट किस प्रकार यूज़ होता है। नेक्स्ट है पिक कलर पिकर, जिसे हम पिक कलर भी कहते हैं। कलर पिकर का काम किसी भी कलर को पिक करना होता है। जहाँ पर भी हम कलर पिकर को ले जाएंगे यह उसी कलर को पिक कर लेगा। आप देख सकते हैं कलर वन में वही कलर शो हो जाता है जैसे ही हम कलर पिकर को किसी कलरफुल एरिया में क्लिक करते हैं। तो देखिए, देख रहे हैं कुछ इस तरीके से, देखिए। नेक्स्ट है मैग्नीफायर टूल। मैग्नीफायर टूल से हम अपने पर्टिकुलर टेक्स्ट या पिक्चर को जूम करके देख सकते हैं। अब यदि आपको इसे नॉर्मल करना है तो आपको अपने स्टेटस बार पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको अपना जूम मोड 100% पर इसके थ्रू लाना पड़ेगा। प्लस से जूम होता है यहाँ से भी और माइनस से नॉर्मल यहाँ पर भी होता है। 100% नॉर्मल मोड होता है, आप नॉर्मल मोड पर इसे रख सकते हैं। तो ये था हमारा टूल्स फंक्शन जो हम आज क्लियर कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपने सीखा कि टूल्स फंक्शन के अंदर हम कौन कौन से टूल्स का उपयोग कैसे कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे प्लीज़ आप लोग कमेंट करना ना भूलें, मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आप ही की तरह और व्यक्ति भी कंप्यूटर एजुकेशन को प्राप्त कर सकें। यह शिक्षा बिल्कुल मुफ्त है, इसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला, और मेरा एक ही एम है कि हर व्यक्ति को कंप्यूटर शिक्षा मिले, चाहे वो फ्री में हो या मेरे वीडियो के थ्रू हो या किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू हो, लेकिन हमारा देश कंप्यूटर साक्षर जरूर होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।